तो दोस्तों स्वागत है आप सबको हमारे आज के फिर से एक नए वीडियोस पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिर बात करने वाले हैं सैमसंग की पैड वाली फोन के बारे में। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियोस बनाई थी कि सैमसंग की पैड वाली फोन पर मैसेज बॉक्स पर आप पासवर्ड कैसे लगा सकते हो। तो दोस्तों उस वीडियो में आप लोग बहुत सारे प्यार और सपोर्ट दिखाए, लेकिन उस वीडियो में मैंने कमेंट पढ़ा दोस्तों, उस वीडियो का कमेंट सबको पढ़ा, बहुत सारे कमेंट आए। उसमें बहुत सारे भाई पूछता है कि भाई मैंने तो पासवर्ड लगा दिया अपनी सैमसंग, यानी कि प्राइवेसी लॉक मैंने लगा दिया, लेकिन मैंने पासवर्ड भूल गया दोस्तों, तो मैं उसको फिर से रिकवर कैसे कर सकता हूं। दोस्तों मैंने बहुत सारे ऐसा कमेंट पढ़ा, तो दोस्तों मैंने सोचा क्यों नहीं इसके बारे में एक वीडियोस बनाई जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि आप अपने प्राइवेसी लॉक को कैसे तोड़ सकते हैं, भूल चुके हैं तो आप कैसे रिकवर कर सकते हैं दोस्तों, फिर से आप नए पासवर्ड को कैसे लगा सकते हैं, यानी कि पासवर्ड कैसे आप हटा सकते हो अपने कीपैड वाली फोन पर। आप किसी भी एप्लीकेशन पर लगाया हो दोस्तों, यानी कि डायलर पैड पर या फिर आप मैसेज बॉक्स पर या फिर किसी पर भी आपने पासवर्ड लगा दिया प्राइवेसी लॉक, तो आप भूल चुके हैं, तो इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखते हैं तो आप रिकवर कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि आप फिर से आप जो है अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हो या फिर हटा सकते हो दोस्तों। तो इस वीडियो में यही बताने वाला हूं दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग और नॉलेजबल होने वाली है, तो वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप जान लीजिए कि मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं हमारी YouTube चैनल अमन रोन टू। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख पा रहे हो दोस्तों कि मेरे हाथ में जो है सैमसंग के कीपैड वाली फ़ोन है दोस्तों। हालांकि आपके पास जो भी मॉडल होगा दोस्तों सैमसंग की होनी चाहिए, एक ही प्रोसेस है दोस्तों, यानी कि आपको ध्यान से देखनी है दोस्तों कि किस तरह आप किसी भी प्राइवेसी लॉक को कैसे तोड़ सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, जैसे कि मेरे मैसेज बॉक्स पर जो है यहाँ पासवर्ड लगा हुआ है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये जो है मैसेज बॉक्स है, यहाँ देख पा रहे हो दोस्तों कि मैसेज बॉक्स और इस पर जो है मेरा पासवर्ड लगा हुआ है और मैं भूल चुका हूँ दोस्तों। जब तक मैं यहाँ पासवर्ड नहीं डालता हूँ दोस्तों, एंट्री करने का मेरा इजाज़त नहीं देता दोस्तों, यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैं कुछ भी यहाँ पासवर्ड अगर डालता हूँ तो यहाँ रॉन्ग पासवर्ड बता रहा है दोस्तों। तो अगर आपके साथ भी कुछ इसी तरह का हो रहा है, किसी भी एप्लीकेशन पर लगा हुआ है, हालांकि आपके फाइल्स पर या फिर डेट पर, आपके कॉन्टैक्ट पर या फिर कुछ भी पर, किसी पर भी लगा हुआ है इस तरह का प्राइवेसी लॉक, तो आप उसको कैसे तोड़ सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ देखा दोस्तों कि मेरा जो है मैसेज बुक पर पासवर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ जो है पासवर्ड मैं भूल चुका दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, रिकवर करने के लिए यानी कि इसको हटाने के लिए, तो आपको करना ये करना होगा दोस्तों, यानी कि आपके जो है अपने फ़ोन के सेटिंग पर चले जाना है दोस्तों। तो मैं यहाँ सेटिंग पर आ चुका हूँ दोस्तों, जैसे कि मैं आपको नज़दीक ला के दिखा देता हूँ, जैसे कि आप इधर देख पा रहे हो दोस्तों कि मैं सेटिंग पर आ चुका हूँ। सेटिंग पर आने के बाद दोस्तों आपको नीचे की ओर आना है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, नीचे की ओर आना है और यहाँ देख पा रहे हो दोस्तों सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि आप देख पा रहे हो दोस्तों सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने मिल रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, जैसे ही आप दबाते हैं बटन को, तो आपको कुछ इस तरह के जो जितने भी आपको सिक्योरिटी वाली जो ऑप्शन है आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों, यानी कि आपको नीचे आ जाना है दोस्तों। जैसे कि देख पा रहे हो सिम लॉक है, PIN लॉक है, उसके बाद देख पा रहे हो दोस्तों प्राइवेसी लॉक है, तो आपको यह प्राइवेसी लॉक पर आना है दोस्तों। जैसे कि देख पा रहे होंगे ये ऑन है क्योंकि मैंने लगा रखा है दोस्तों, अगर आपके भी इस तरह का लगा हुआ होगा तो यहाँ ऑन बता रहा होगा दोस्तों। तो इसके लिए करना क्या होगा दोस्तों, मैं आपको नज़दीक ला के दिखा देता हूँ, इसको ओके करना है दोस्तों, यानी कि आपको जो है इस तरह जो है ओके करना है, उसके बाद आना है दोस्तों, यानी कि नीचे की ओर आना है। नीचे को आने के बाद दोस्तों जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ जो टिक लगा हुआ है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ तो यहाँ जो है मैसेज बॉक्स पर मेरा एक ही जो प्राइवेसी लगा हुआ है दोस्तों, सिर्फ केवल मैसेज बॉक्स पर, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ दोस्तों। जैसे कि यहाँ टिक को अनटिक कर देना है इस तरह, उसके बाद जैसे कि यहाँ अगर सेव वाली बटन में क्लिक करते हैं दोस्तों, तो ये जो है फिर से वो पासवर्ड बता रहा है, तभी यहाँ से चेंज हो गई दोस्तों, यानी कि फिर से वही पासवर्ड को डालना होगा, लेकिन मैं पासवर्ड यहाँ भूल चुका दोस्तों। तो इसके लिए फिर से आपको करना क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, एकदम बिल्कुल ध्यान से बारीकी से ध्यान से देखना है। आपको एक नंबर दे रहा हूँ दोस्तों, आपको वो डायल करना है, आप अपने फोन पर एक नंबर्स को डायल करना है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि नंबर्स को आपको डायल क्या करना है, तो दोस्तों पहले आपको क्लिक करना है आपको स्टार, उसके बाद स्टार दबाने के बाद, जैसे कि मैं नजदीक ला के दिखा देता हूं दोस्तों, ऐसे भी स्क्रीन में आपको शो कर रहा होगा दोस्तों, स्टार क्लिक करना है, उसके बाद 27 आपको क्लिक करना है, स्टार 27, उसके बाद 67, उसके बाद फिर से आपको स्टार क्लिक करना है। स्टार क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, उसके बाद जो है 38 आपको ध्यान से डायल करना है दोस्तों, 38, उसके बाद जो है 55, उसके बाद लास्ट में आपको जो है एकदम हज क्लिक करना है दोस्तों। जैसे कि आप इधर देख पा रहा हूँ, जैसे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, कुछ इस तरह के आपके सामने फुल रीसेट का ऑप्शन देखने मिलेगा, तो आपके फोन एकदम बिल्कुल रीसेट हो जाएगी दोस्तों। जैसे कि आप थोड़ा सा आपको वेट करना है दोस्तों, यानी कि एक मिनट आपको वेट करना है, इस तरह आपके मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो जाएंगे दोस्तों, कुछ इस तरह, उसके बाद फिर से अपने आप ऑन होगी दोस्तों। जैसे कि इधर आप देख पा रहे हो, एकदम बिल्कुल ध्यान से नंबर्स को डायल करना है, उसके बाद जो है आपके जितने भी प्राइवेसी लॉक जिसने भी रहेंगे दोस्तों, वो सारा का सारा जो है वो हट जाएंगे दोस्तों, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो कुछ इस तरह के एकदम बिल्कुल क्लीन हो जाएगा दोस्तों, रिसर्ट हो जाएगा एकदम, जितने भी प्राइवेसी लॉक होंगे सारा का सारा हट जाएंगे दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये मेरा फोन जो है ऑन हो चुका है दोस्तों। जैसे कि मैं ओके कर देता हूँ, न्यू सिम कार्ड डिटेल्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ दोस्तों, उसके बाद सारे ऑप्शन दे देता हूँ दोस्तों, उसके बाद डायरेक्ट आप कट भी सकते हैं, कोई बात नहीं है, उसके बाद में आप सेटिंग कर लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद जो है इस टाइम आप बाद में सेटिंग कर लीजिएगा।
उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, उसके बाद चलते हैं होम स्क्रीन पर, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों कि ये जो है अभी प्राइवेसी लॉक हटा या फिर नहीं हटा। तो दोस्तों जैसे कि इधर देख पा रहे होंगे, जैसे कि मैं अभी आ जाता हूं अपने मैसेज बॉक्स पर, क्योंकि मेरा अभी मैसेज बॉक्स पर प्राइवेसी लॉक था दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ ओके कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे दोस्तों, जितने भी प्राइवेसी लॉक था दोस्तों, यानी कि मैसेज बॉक्स पर, वो हट चुकी है दोस्तों। जैसे कि आप इधर देख पा रहे होंगे, सारा का सारा ये हट चुकी है दोस्तों। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, उसके बाद जो ये हट चुकी है, जितने भी प्राइवेसी लॉक थे दोस्तों। आप इस तरह आप जिसमें भी लगाए होंगे, जितने भी एप्लीकेशंस पर आप लगाए होंगे, कुछ इस तरह के आपके प्राइवेसी लॉक हट जाएंगे दोस्तों। ये कोड आपको डायल करनी है, उसके बाद आपके फ़ोन जो है फुल रिसेट हो जाएगी, एकदम बिल्कुल न्यू हो जाएगी दोस्तों। जितने भी आपने लॉक लगाए होंगे, सारा का सारा लॉक हट जाएगा दोस्तों। तो इस तरह जो है आप अपने फ़ोन के प्राइवेसी लॉक जो है आप हटा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, फिर से आप चेंज कर सकते हो, नए पासवर्ड का फिर से लगा सकते हैं दोस्तों। तो बस यही थी दोस्तों, बस इस तरह आप सिंपली आप नंबर से डायल करके आप जो है अपने फ़ोन के प्राइवेसी लॉक को हटा सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए अगर जरा सा भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगर चैनल में पहली बार आया, आपको लगे कि इस चैनल से हमेशा इसी तरह के जानकारी वाली वीडियोस हमेशा मिलते रहे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो इसी तरह कंटेंट वीडियोज लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।